मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है और कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसीलिए इस जीवन की पूर्णता है सबसे पहले ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान होना। और जब हमारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी सूर्य की तरह, ज्ञान के प्रकाश हमारे अंधकार में जीवन में आएंगे, तो हम सत्य को समझेंगे। जिस तरह गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने समझा था, वो बोलते थे विपसाना, मैं सत्य को समझ रहा हूँ, हमें सब साफ साफ दिख रहा है, लेकिन साधारण मनुष्य साफ साफ नहीं दिखता है। उसके जो अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, जिसका चश्मा उसने पहन रखा है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इसके चश्मे लगे हुए हैं, तो दुनिया को उसी तरह मलिन रूप में देखता है। इसीलिए उसकी भावना मर जाती है और केवल वो स्वार्थ के बारे में सोचता है। फिर से दोहराता हूँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इसके बारे में ही वो सोचता रहता है। पार्श्विक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर सचमुच उसकी जिंदगी में रोशनी आई है, तो भावना पैदा होती है, जिसे हम इन शब्दों में कह सकते हैं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, सद्भावना, ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। और वो व्यक्ति ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हो जाता है। वो जानता है कि ये पृथ्वी एक पट क्षेत्र है, जहाँ हम सारे लोग, नर और नारी, एक किरदार हैं। हम लोग एक प्लेयर्स हैं, रोल अदा कर रहे हैं, अपने भूमिका अदा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति मेरी तरफ हो जाता है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, तो आपकी तरह हो जाता है। नहीं तो आदमी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का होता है कि दिन रात लड़ाई, झगड़े, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में दुनिया को जलाता है। पूरी दुनिया जल रही है, ये मत सोचिए कि ये केवल हिंदुस्तान की परिधि में, हिंदुस्तान के अंदर ही इस तरह के लोग हैं। उन्होंने समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, इस आधार पर बांटते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, विदेशी ताकतें आती रही, इनको लात जूता मारते रहे, इन माँ बहनों की इज्जत के साथ बलात्कार किया, इनके धन दौलत को लूटा, भारत को बर्बाद कर दिया। ये गद्दार हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे, मारते रहे और दुश्मनों का साथ देते रहे। इसीलिए हिंदुस्तान में इतने तरह के लोग आ गए। यहाँ ये बाहरी शक्तियाँ हैं जो यहाँ लूटने, पाटने आए थे, मारने आए थे, महिलाओं का बलात्कार करने आए थे, लोगों को गुलाम बनाने आए थे, यहाँ की धन संपत्ति को लूटने आए थे। लेकिन ये गद्दार, द्वेष, ये पाश्विक प्रवृत्ति से नरव्याघ्र, दुर्योधन, कंस, रावण, कुटिल विचार से लड़ते रहे, झगड़ते रहे और बाहरी शक्तियों को इन्होंने सहयोग करता रहा। शुरुआत हुआ था पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा के जयचंद ने। इन जयचंदों के चलते ही हिंदुस्तान का अधोपतन शुरू हुआ। टुकड़े टुकड़े में हिंदुस्तान बट गए और सारे गद्दार विदेशी सत्ताओं को सहयोग करते रहे। ये स्वार्थ की भावना थी। प्यारे दोस्तों, आज हम उससे उभरे नहीं हैं। आप जानते होंगे, बिहार में लल्लू यादव का खानदान बोलता है जाति के नाम पर जनगणना हो, क्योंकि अगर बहुमत उसके जाति के हैं तो धर्म धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, मजहब के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो। एक उदाहरण दिया लल्लू यादव। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी देखिए जातिवाद, और पूरे हिंदुस्तान में ये फैला हुआ है। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, हम सभी एक हैं। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सारी आत्माएं समान हैं। हम सभी सहयोग करें और अपनी जनसंख्या पर काबू रखें। कम लोग हों, ज्ञानवान, गुणवत्ता वाले, विचारवान, बुद्धिमान, मेरी तरह, बुद्ध की तरह, विवेकानंद की तरह हो, आपकी तरह हो। आप भी महान हैं। अपनी महानता को पहचान चुके तो धन्यवाद करता हूँ। अगर सोई हुई सुषुप्त अवस्था में आपकी महानता है, तो उसको जगाइए और उसके लिए गायत्री मंत्र का जाप करो। एक ही धर्म है वो सत्य है, एक ही धर्म है वो ज्ञान है, एक ही धर्म है जो प्रेम है, एक ही धर्म है जो सबके साथ मिलके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता हो। बाकी जितने भी तरह तरह के धर्म हैं, अगर उनमें सच्चाई नहीं है तो स्वार्थ से प्रेरित है। पूरे दुनिया में अपना धर्म को प्रचलित करो, सारे दुनिया को गुलाम बना लो। यही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे जो कि आए, मूर्खों को भड़काया, फरमाया और पशु से, पाश्विकता प्रवृत्ति से उसे
दुष्ट बना के रख दिया। वो हत्याएं करते हैं, निरहंस हत्या करते हैं, निशंस हत्याएं करते हैं, तरपा तरपा के जीव जंतुओं को मारते हैं। ए बदनसीब, तुम भी एक जीव है और कुत्ते की तरह मरेगा, और कुत्ते की तरह मर रहा है तुम्हारे वंशवादी। जागो मेरे हिंदुस्तान के महान पुरुष, जाति धर्म मजहब क्षेत्र से ऊपर उठो और ज्ञान की रोशनी में सच को देखो। सच्चाई यही है प्रेम, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जाहि रुचे, शीस ले दी जाए। प्रेम करना सीखो, पढ़ लिख के क्या करोगे, वैज्ञानिक अनुसंधान करके क्या करोगे, तरह तरह के हथियार बनाओगे और फिर एटम बम बना के पूरी दुनिया को जलाओगे। सबसे बड़ी चीज है मान, मन में प्रेम 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 प्रेम, स्नेह शक्ति सद्भावना। और कुत्ते की तरह इतनी जनसंख्या मत बढ़ा दो जिस तरह कुत्ता मेरा बेचारा प्यारा भोला भाला निर्दोष मनुष्य के इशारे पर, मनुष्य के तलवे सहलाने वाला गरीब कुत्ता असंख्य बच्चों को पैदा करता है। भरण पोषण की क्षमता नहीं है, मनुष्य के दया का भीख मांगता है, पानी के बिना खाने के बिना तरफ तरफ के मरता है। उसी वंश के लोग जो मनुष्य है वो भी कुत्ते की तरह दर्जनों पैदा करते हैं, दर्जनों पैदा करके उसे चोर बदमाश शैतान डाकू लुटेरे बना देते हैं, जिससे कि मानवता त्राही त्राही करती है। आज पूरी पृथ्वी को देखो, इन दुष्टों ने किस तरह से दहशतगर्दी आतंकवाद फैला दिया है, क्योंकि ये ना समझ है, इन्हें भरमा दिया गया है, जनसंख्या इतना बढ़ा दिया है कि पृथ्वी इसके बोझ को सहन नहीं सकती। तो आओ समझदार बने, ज्ञानवान विचारवान, गले से लगे प्रेम करें, बुद्धि का विकास करें, और एक ही बुद्धि है प्रेम, सबके साथ मिलजुल के सर्व भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है और सारी आत्माएं समान है। भावना पैदा करो, सोचते हो स्वार्थ भूल जाओ, प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही जिंदगी है, प्यार करना सीखो। तामसिक प्रवृत्ति को, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा संजीव कृति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मरो मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, देखने में अगर मनुष्य हो, और कामी क्रोधी लोभी लालची दुष्ट हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या फर्क है मनुष्य और पशु में, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पृथ्वी में शांति हो, शांति होगा, शांत स्वभाव वाले जितने भी महान व्यक्ति हैं प्रेम के दरिया में बह जाएं, पास में प्रवृत्ति से दूर चले जाएं, फिर से रावण कंस दुर्योधन जयचंद विभीषण नहीं बने, सबके साथ मिलकर रहें और अपने विचारों से दुनिया को देखो। किसी ने कह दिया मारो मारो काटो काटो, रेप करो हत्याएं करो, पूरे दुनिया में राज कर लो, अंग्रेजों ने किया, औरंगजेबों ने किया, अलेक्जेंडर ने किया, शर्म की बात है, ये बेशर्म, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और उसे भी नहीं हो तो चुल्लू भर मूत में डूब मरो, कुत्ते की मूत में, बेशर्मों।